An Academy. Let's crack it. Our next question is, statements दी हुई हैं आपको, दो statements बतानी है कौन सी statement correct है या दोनों correct है. तो first statement है, the presumption under section 113A of the Indian Evidence Act is not attracted if the marriage took place more than 7 years prior to the suicide of the woman, even if the cruelty is established by prosecution. By the introduction of 113A of the Indian Evidence Act, the prosecution is not required to prove the facts beyond reasonable doubt against the accused. Which of the following statement is correct? Statement A, statement B, statement A and B or none? हाँ जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? ओके, दिव्या को डाउट है ए पे, बाकी सब आंजलि सेइंग बी. 113A में क्या दिया हुआ है, व्हेन द वुमेन कमिट सुसाइड, जब वुमेन कर लेती है, कितने इयर्स ऑफ मैरिज के अंडर, विद इन हाउ मेनी इयर्स ऑफ मैरिज. यहां पे क्या लिखा हुआ है, क्या स्टेटमेंट ए करेक्ट है, वेदर स्टेटमेंट ए इज करेक्ट. जब वेमेन, ठीक है, 113A हमें क्या कहता है कि जब वेमेन सुसाइड कर लेती है विद इन 7 ईयर्स ऑफ हर मैरिज, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, मोर देन 7 ईयर्स, क्या स्टेटमेंट ए करेक्ट है. यस थरी, स्टेटमेंट ए इज नॉट करेक्ट. सो जिसने ए लिखा है, दैट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. अब हम बी पे आ जाते हैं. कोई भी क्रिमिनल केस होता है तो उसमें प्रोसिक्यूशन को क्या प्रूव करना पड़ता है, क्रिमिनल केसेस में हम क्या पढ़ते हैं कि प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ता है अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, वॉट इज द बी स्टेटमेंट, बी स्टेटमेंट क्या है, प्रोसिक्यूशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रूव द फैक्ट्स बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अगेंस्ट द अक्यूज्ड. क्यों, क्रिमिनल केसेस में तो हमेशा प्रोसिक्यूशन को अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. तो क्या इसका आंसर आएगा, ठीक है, वॉट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. यस, डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. सबको समझ में आया,